हम मोनोटॉमिक लैटिस वाइब्रेशंस की तरफ जाने वाले हैं, जिसमें एटम्स वगैरह को कंसीडर करेंगे हम। इससे पहले हमने जो फार्मूला फाइंड आउट किया था, स्पीड ऑफ वेव इनसाइड अ मीडियम, इलास्टिक मीडियम, हमने देखा था कि उस इलास्टिक वेव की क्या स्पीड होगी। और अगर देखा जाए कि एक टाइप ऑफ हमारे पास लेट्स से सॉलिड है, मोनोटॉमिक सॉलिड ही कह लें, जिसमें एक ही मास के सारे पार्टिकल्स सिस्टम मौजूद है और उसका फोर्स कांस्टेंट भी हेंस कांस्टेंट होगा, ए भी उसका कांस्टेंट होगा, तो हमें पता चलता है कि वी एस बी एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगा फॉर अ गिवन मीडियम। क्योंकि हम देख सकते हैं कि दिस इज़ नॉट डिपेंडेंट अपॉन एनी काइंड ऑफ थिंग, कि ये ना ओमेगा पे डिपेंड कर रहा है ना के पे डिपेंड कर रहा है। तो स्पीड जो है ऐसी वेव की जो है वो कांस्टेंट होगी इनसाइड अ मीडियम। फॉर एग्ज़ाम्पल स्पीड ऑफ साउंड अगर हम देखें, स्पीड ऑफ साउंड हम डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज की अभी बोलते हुए आवाज़ निकालते हैं, तो लेकिन हर फ्रिक्वेंसी की साउंड दूसरे पर्सन तक जो है उसके कानों तक एक ही स्पीड से जाती है। और अगर हम बहुत दूर चले जाएं, एक बहुत ज़्यादा डिस्टेंट अपार्ट हों और हम यहाँ से आवाज़ निकालें, तो फिर भी ये होता है कि ऑलमोस्ट जो है सारी की सारी फ्रिक्वेंसीज की साउंड जो है, कोई मैं एक्सप्रेशन कोई वर्ड जो है कोई साउंड में हायर फ्रिक्वेंसी का बोल रही होती हूँ, कोई लोअर फ्रिक्वेंसी का डिफरेंट, लेकिन दूसरे इंसान तक मेरी स्पीड जो है इसी पैटर्न से जाती है जिस पैटर्न से मैं उसको जनरेट कर रही होती हूँ। तो ये फॉर थैंक गॉड के जो एयर है वो डिस्पर्सिव मीडियम नहीं है, मींस कि इसमें जो ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो वैलिडेट होता है। और स्पीड ऑफ साउंड इन एयर हम जानते हैं कि वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है जिस भी फ्रिक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस करें हम सब के लिए। लेकिन इन सॉलिड्स अगर हम चले जाएँ, तो सॉलिड्स में इस तरह की केस नहीं होता। लॉन्गर वेवलेंथ के लिए होगा, वो आगे हम अप्रोक्सीमेशन लगा के देखेंगे, लेकिन स्मॉलर वेवलेंथ के लिए बिल्कुल नहीं होता, एनर्जेटिक वेव्स के लिए बिल्कुल नहीं होता, हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स के लिए। इसमें सबसे पहले जो अजम्पशंस हम यूज़ करते हैं, सबसे पहला अजम्पशन हम ये यूज़ करते हैं कि जो एटम्स के दरमियान की जो बॉन्ड्स हैं वो हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं विद स्प्रिंग्स। ठीक है, तो हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि टू एटम्स जो हैं उनके दरमियान का जो बॉन्ड है वो ऐसे ही है जैसे वो दोनों स्प्रिंग के थ्रू मास स्प्रिंग सिस्टम बना रहे हों। ठीक है, इस तरह का वो सिस्टम बना रहे हों। तो सबसे पहले अजम्पशन जो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं वो ये अजम्पशन यूज़ करते हैं। सेकेंडली, जिसके बारे में हमने बात की थी कि यहाँ पर हम नॉर्मल मोड्स को कंसिडर करेंगे। ठीक है, थर्डली के जो हमारा जो टेम्परेचर है एट फिक्स टेम्परेचर हम ये स्टडी कर रहे हैं, एट फिक्स टेम्परेचर, टेम्परेचर एट फिक्स नहीं, फिक्स टेम्परेचर पे हम ये स्टडी कर रहे हैं। और फोर्थली ये होगा कि हम वो जो बाय बोन एंड वॉन कर्मन ने जो सजेस्ट किया था कि हम ये कहेंगे कि फर्स्ट एटम जो है, फर्स्ट एटम और लास्ट एटम जो है चेन का लीनियर चेन वन डायमेंशनल, इससे पहले फोर्थ में वन डायमेंशनल कर देती हूँ कि वन डायमेंशनल हम लैटिस को यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, तो वन डायमेंशनल है तो वो एक लीनियर चेन बनेगी ना, लेकिन बाद में हम ये पीरियोडिसिटी कंडीशन को क्रिएट करने के लिए हम ये कहते हैं कि ये फर्स्ट एटम और ये जो लास्ट एंथ एटम है लैटिस, इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे और ये इस तरह से हो जाएगा, ये फर्स्ट एटम था और ये लास्ट, तो अब ये ज्वाइन हुए हैं तो इनके दरमियान भी ये एक अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो जाएगी, सच दैट ये इस तरह से एटम एक रिंग फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक अजम्पशन हम ये वाली भी यूज़ करेंगे। और जो लास्ट अजम्पशन हम यूज़ करते हैं, हम ये कहते हैं कि जो सॉलिड में अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं वो शॉर्ट रेंज फोर्सेज हैं, सो दैट वो सिर्फ नियरेस्ट नेबर के साथ इंट्रैक्ट करेंगे और नियरेस्ट नेबर के ही हम इंट्रैक्शन या फोर्सेस को कंसीडर करेंगे और इसके रिलेशंस को फाइंड आउट करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। सो दीज आर द अजम्पशंस, प्री अजम्पशन दैट वी यूज इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप फॉर द मोनोटॉमिक लैटिस वाइब्रेशंस एंड डिस्पर्जन रिलेशन अभी हम फाइंड आउट करेंगे। नाउ वी विल मूव टू कि हम अब अलाउ कर देते हैं कि लेट्स से ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में थे, इक्विलिब्रियम पोजीशन में कोई भी वाइब्रेशन नहीं होती, मींस कि जब इनके पास लेट्स से कोई भी थर्मल एनर्जी नहीं है, तो तब हम अब देखते हैं कि ये लेट्स से मोनोटॉमिक है, तो सारे के सारे क्या हैं, एक ही टाइप के एटम्स हैं, तो सबका जो मास है लेट्स से वो स्मॉल एम ही है और मैं इस मास को जो है वो एंथ एटम ले लेती हूँ, इसको एन प्लस वंथ एटम, इससे नेक्स्ट वाला वन प्लस एन ही होगा, ये एन माइनस वन एटम हो जाएगा और ये हेंस एन माइनस टू था और ये एन प्लस टू था, सो ऑन। ठीक है, ये एंथ एटम है, मैं इनकी वाइब्रेशन को क्रिएट कराती हूँ। वाइब्रेशन जो इनकी होंगी ना वो ज़रूरी नहीं है सबकी एक ही मतलब एक ही इंस्टेंटेनियस हो, फेज डिफरेंस इनमें हो सकता है ना। लेट्स से ये जो है ये लेफ्ट पे इधर मूव कर, राइट है ये सॉरी
राइट पे मूव कर रहा है और ये यहाँ पे पहुँच गया है, ठीक है, वाइब्रेट करते हुए। तो ये इस तरफ मूव किया, ये वाला आइटम इस तरफ, लेट्स से ये वाला इस तरफ मूव कर गया। डिपेंड्स कि सबकी मर्ज़ी है, जहाँ पे भी इनका फेस डिफरेंस हो सकता है, अलाउड फेस डिफरेंस भी देखे जा सकते हैं, मे बी अलाउड फेस डिफरेंस या कोई भी फेस डिफरेंस इनका हो सकता है, या फिर कोई इस तरह से। तो ये अब ये अगर हम देखें इनको स्प्रिंग से अगर जोड़ दें हम, तो जो इनकी डिस्प्लेसमेंट्स हुई हैं, ये जो है ये वाला, ये nth था ना, इसकी डिस्प्लेसमेंट मैं यू टू एन के नेम से करती हूँ। आप कोई भी नोटेशन एस टू एन लिख सकते हैं, जो भी सर ने यूज़ किया वो भी कर सकते हैं। मैंने वैसे जैसे किया उसमें मैंने नोटेशन डिफरेंट की है, जिस बुक को मैंने फॉलो किया यू टू एन, ये अच्छा टू एन मैंने कह दिया, ये यू एन सिंपली है, यू एन इसकी नोटेशन रखते हैं, यू एन माइनस वन है ये वाला, और इसकी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट हुई है वो यू एन प्लस वन हो गई, ठीक है। ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, ये इधर आ गया, तो ये जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इन्होंने कवर किया है, ये डिस्प्लेसमेंट हमने वो जैसे वहाँ पे सिग्मा ए लिखा था ना, इस यहाँ पे हमने ये नोटेशंस इनके लिए यूज़ कर दी हैं। अब अगर हम ये वाला मैस, सेंट्रल मैस ये वाला देखें, तो इस पर अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी फोर्सेज लग रही हैं। इस पर फोर्सेज लग रही हैं जब ये, लेट्स से अगर ये इसको छोड़ दें, इन दोनों को देखें, तो इस पर जो फोर्स लग रही है वो एक तो ये वाला फोर्स लगा रहा होगा इस पर, ठीक है, और दूसरा जो स्प्रिंग की वजह से, बॉन्डिंग की वजह से इसके पास जो वही रिस्टोरिंग फोर्स है वो भी लग रही होगी। एक ये मैस इस पर फोर्स लगा रहा होगा, प्लस ये वाला जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग की वजह से ये जो उससे दूर जा रहा है, फिलहाल ये इस तरह मूव कर रहा है, तो इस वाले पार्ट का हम इस पर फोर्स देख रहे हैं, तो ये स्प्रिंग भी इसको, इसके पास खुद को उसको इस पर फोर्स लगा रहा है। तो अगर हम इसकी फोर्स जो है ड्यू टू यू यू फोर्स एन माइनस वन पार्टिकल की वजह से हम देखना चाहते हैं, दैट विल बी इक्वल टू के टाइम्स दैट रिलेटिव, जो उनके दरमियान का डिस्टेंस होगा, रिलेटिव जितना भी डिस्टेंस होगा उसके प्रोपोर्शनल ये फोर्स होगी, एंड दैट विल बी द यू एन, ये जो यू एन है माइनस यू एन माइनस वन, ये इसके इक्वल होगी। तो यू एन, ठीक है, ये वाला फर्स्ट लेना है और इससे स्मॉलर वाला बाद में, जो मतलब ये एन माइनस वन नंबर इज स्मॉलर देन एन, इन दैट सेंस में ये कह रही हूँ। तो अगर इसकी वजह से जो फोर्स है वो अगर हम देखें, दैट विल बी एफ एन प्लस वन, जो है ये इससे दूर जा रहा था, ये फोर्स इसकी वजह से अब ये इसके करीब आ रहा है, तो इसकी जगह ये वाला स्प्रिंग जो है, ये जो मैस है इसके साथ टू एसोसिएटेड हैं स्प्रिंग्स, एक स्प्रिंग ये तो के एक्स इस पर लगा रहा था, ये जो के यू एन है, ये वाला भी इस पर लगा रहा होगा क्योंकि ये भी इसी के साथ का ही स्प्रिंग है, तो इसको ये कंप्रेस कर रहा है, तो कंप्रेस करने के नतीजे में जो फोर्सेज हैं वो थोड़ी इनकी डायरेक्शन इन दोनों की डिफरेंट होगी, क्योंकि ये इससे दूर जा रहा है तो ये इसे करीब लाने की कोशिश कर रहा है, जबकि ये इसके पास आ रहा है तो इसे दूर उधर धकेलने की कोशिश कर रहा है, तो ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स दोनों ऑपोजिट इन डायरेक्शन होंगी। तो ये जब सम करेंगे तो उसमें हम ऑपोजिट का वो नेगेटिव साइन भी डालेंगे, तो इसमें ये अब यू एन प्लस वन जो है माइनस यू एन, ठीक है, अब जो टोटल फोर्स है दैट विल बी इक्वल्स टू एफ एन प्लस वन माइनस एफ एन माइनस वन। ठीक है, तो इनमें अगर ये याद रखने के लिए कि मिस्टेक ना करें कि यहाँ पे हमेशा ये जो फर्स्ट है उसका जो n वैल्यू है वो ग्रेटर होगा देन द इसका वाला, तो इसमें n है तो ये n माइनस वन से सब्ट्रैक्ट किया हमने, ये n प्लस वन है उसे n से किया, n प्लस वन तो ये n माइनस वन, तो बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू की ये बस याद करने के लिए, मतलब इन कोई मिस्टेक ना करें। तो ये इनको यहाँ पे हम इंसर्ट करते हैं, और इंसर्ट करने के बाद हमारे पास जो एफ एन है वो अगर के में कॉमन ले लूँ तो n प्लस वन वाला ये है यू एन प्लस वन माइनस यू एन, और यहाँ पे ये भी माइनस इसके साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये अंदर कर देती हूँ, तो k मैंने कॉमन लिया हुआ तो माइनस यू एन, और ये माइनस यू एन माइनस टू यू एन बन जाएगा, ये आप खुद करेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा, प्लस यू एन माइनस वन बच जाएगा, तो ये नेट फोर्स अभी हमारे पास मौजूद है। अच्छा, ये k की जगह हम f यूज़ करते हैं क्योंकि पहले भी हमने फोर्स कॉन्स्टेंट जो है वो f ही यूज़ किया था, तो यहाँ मैं इसको f कर देती हूँ, दिस इज़ फोर्स कॉन्स्टेंट। तो ये हमारे पास फिलहाल एक्सप्रेशन बन चुकी है जो ये मैस है, nth मैस है उसके लिए, तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं कि एफ एन इक्वल्स डायटोमिक लेटर्स के लिए भी ये रिलेशन हम इसी तरह से ही निकालेंगे, यही तरीका यूज़ करते हुए। अब ये फोर्स जो है क्योंकि एफ एन पार्टिकल पे है तो इसमें जो डेरिवेटिव होगा वो यू एन लेंगे, क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो यू एन की रिस्पेक्ट से ही था,
सो दैट इज़ इक्वल्स टू यू एन प्लस वन माइनस टू यू एन प्लस यू एन माइनस वन. तो अब हम लेट्स से कहते हैं कि एक सोल्यूशन डिवाइस करते हैं, हार्मोनिक सोल्यूशन ही, ऑसिलेटिंग सोल्यूशन ही, दैट ये जो है के यहाँ पे हम एक यहाँ पे उसको मैं क्या नोटेशन दे दूँ, पी मैं कह देती हूँ पी माइनस ओमेगा टी. और पी क्या है, पी है पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, नॉन डिस्टर्ब पोजीशन ऑफ दैट nth मास. कि लेट्स से यहाँ पे ये ज़ीरो है, इन सब के दरमियान का डिस्टेंस जो है वो ए है. पता नहीं मैंने ये बताया भी था या नहीं है, हमने यहाँ पे क्यूबिक यूनिट सेल लिए हैं, ठीक है. सब के दरमियान का डिस्टेंस जो है ए है. तो यहाँ पे लेट्स से ये कहीं से स्टार जो आ रहा था ना, ये ज़ीरो ये है, तो ये ए ए करते करते जो nth एटम की पोजीशन बनेगी विद रिस्पेक्ट टू दैट ओरिजिन, वो एन ए बन जाएगी ना, अनडिस्टर्ब्ड, ठीक है, अनडिस्टर्ब पोजीशन जो उसकी होगी. यहाँ पे तो ये डिस्टर्ब होगी ना, ये यहाँ पे हो जाएगी एन ए प्लस लेट्स से यू एन, ठीक है, या माइनस यू एन या समथिंग लाइक दैट. अनडिस्टर्ब जो पोजीशन होगी ना वो पी की जगह करेंगे. तो एंथ वाला अगर हम यहाँ पे एटम ले रहे हैं ना, तो एंथ वाले एटम के लिए यू एन, ये मैं लेट्स से यहाँ पे पी एन कर देती हूँ, यहाँ पे यू एन. अब ये डिपेंड करेगा हम कौन सा वाला ले रहे हैं. तो इसके लिए मैं ले लूँ अगर, तो ये मैं इस स्टेरिक कर देती हूँ ताकि डिफरेंट हो जाइए इससे. तो ये ए ई टू द आयोटा, इसकी के और इसकी जो पोजीशन होगी फ्रॉम ओरिजिन वो के एन ए होगी. एन उसका इंडेक्स, कितना नंबर ऑफ एटम है वो, टाइम्स ए जो कि है डिस्टेंस बिटवीन कंजर्कटिव एटम्स, माइनस ओमेगा टी एक ये होगी. इनकी भी वैल्यूज़ तो हमें कैलकुलेट करनी है. यू एन की कर ली, यू एन प्लस वन क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू ई टू द आयोटा के यहाँ पे एन प्लस वन टाइम्स ए हो जाएगा. उसकी पोजिशन जो है वो, ये इसका डिस्टेंस जो है एन ए है, तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एन ए प्लस वन, एन एन प्ले प्लस ए, ए यूनिट ये थोड़ा आगे है ना, तो एन अगर ए कॉमन लें तो ये ए इंटू एन प्लस वन. इसकी पोजीशन अनडिस्टर्ब पोजीशन एन प्लस वन ए माइनस ओमेगा टी ये बनती है, ये टू इक्वेशन होगी. और यू एन माइनस वन क्या हो जाएगी, यहाँ पे हम के एन माइनस वन ए माइनस ओमेगा टी करेंगे, क्योंकि इन सारे एटम्स की पोजीशन फ्रॉम ओरिजिन डिफरेंट है ना, तो ये ए यूनिट इससे आगे है, ये ए यूनिट इससे पीछे है. तो ये अब ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पे इंसर्ट करनी है, लेकिन इससे पहले यहाँ पे इसका डबल डेरिवेटिव जो है ना, इसका डबल टाइम डेरिवेटिव हमने इसमें पुट करना है. अच्छा, ये सारी मैथमेटिक्स यही वाली यूज़ होगी डायटोमिक में भी, लेकिन उसमें एक एडिशनल चीज़ हो जाएगी, उसमें टू इक्वेशंस बनेंगी जिनका हमने सोल्यूशन फिर सिमल्टेनियस सोल्यूशन फाइंड आउट करना होगा. तो ये और सारी बेसिक चीज़ें ये होंगी, वहाँ पे भी यही वाला सोल्यूशन डिवाइस करेंगे, उन सब के लिए वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. एम डी स्क्वेयर यू एन बाई डी टी स्क्वेयर करना है. तो ये इसका मैं डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करती हूँ, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करती हूँ, उसमें डॉट लगा दिया. टाइम डेरिवेटिव है, जहन में रखना है. सो ये तो एज इट इज़ आ जाएगा. और पावर का डेरिवेटिव के एन ए माइनस ओमेगा टी, अब इसका डेरिवेटिव इसका भी लगेगा इसका अलग से, तो ये ज़ीरो बन जाएगा. और माइनस ओमेगा टी का जब लेंगे तो माइनस ओमेगा, अच्छा अयोटा भी है, तो ये आ जाएगा माइनस अयोटा ओमेगा. और ई टू द पावर अयोटा के एन ए माइनस ओमेगा टी, सेकंड टाइम भी जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये माइनस अयोटा ओमेगा दोबारा आ जाएगा. और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अयोटा स्क्वेयर आ जाएगा, ओमेगा स्क्वेयर ई टू द पावर अयोटा के एन ए माइनस ओमेगा टी, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर ई टू द पावर आयोटा के एन ए माइनस ओमेगा टी आ जाएगा. अब इसको यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं उस एक्सप्रेशन में, तो ये हमारे पास आ जाएगा एम माइनस ओमेगा स्क्वायर ए ई टू द पावर आयोटा के एन ए माइनस ओमेगा टी इक्वल्स एफ एज इट इज़, एंड वी हैव यू एन प्लस वन. ठीक है, यू एन प्लस वन की वैल्यू क्या है, ये जो हमने अभी डिवाइस की थी ई टू द पावर आयोटा के, अच्छा मैं इनके साथ जो है ना ये एन प्लस ए, ये दोनों को अलहदा अलहदा इसके साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ एक मंदे, तो ये के एन ए प्लस ए हो जाएगा माइनस ओमेगा टी. तो ये सारी की सारी ब्रैकेट क्लोज, अयोटा बस बाहर आएगा. और माइनस टू यू एन है, यू एन की वैल्यू है ये माइनस ओमेगा टी प्लस यू एन माइनस वन, और यू एन माइनस वन की वैल्यू भी ऊपर हमने लिखी है. मैं ए को अगेन अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, के एन ए माइनस के ए माइनस ओमेगा टी. ठीक है, तो इन सब में जो है ना ये वाली टर्म कॉमन लेते हैं और दोनों तरफ कैंसिल कर देंगे, ये मैं करना चाहती हूँ ताकि एक्सप्रेशन जो है वो थोड़ी, ये ए सब में कॉमन आएगा और कैंसिल हो जाएगा, इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है, कैंसिल हो गया वो. तो ये आ गया के एन ए माइनस ओमेगा टी. नेक्स्ट स्टेप इज़ कि हम के एन ए माइनस ओमेगा टी को सेपरेट करें, ओटा के ओटा कॉमन लेगा के एन ए
माइनस ओमेगा टी कॉमन लिया, ये वाला अलग किया, ये वाला अलग किया, तो ये अयोटा जो है के ए इसका बच जाएगा, ये के इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, तो इसी तरह ये प्लस इसमें तो है ही वही, तो ये टू अयोटा के एन ए माइनस ओमेगा टी एज इट इज़ इसका आ जाएगा, और इसका जो है ई टू द अयोटा के एन ए माइनस ओमेगा टी सेपरेट किया तो बच गया ई टू द माइनस अयोटा के ए, तो ये जो है ना ये सब में कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, तो ये माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स एफ इंटू ई टू द अयोटा के ए, और ये वाला मैं इसके साथ लिख देती हूँ माइनस अयोटा के ए प्लस टू बच गया, और ये जो है आइलर्स आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इक्वल होता है प्लस अगर साइन हो तो टू कॉस के ए अयोटा को छोड़ के, तो इसको फिर हम लिख सकते हैं माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स एफ, टू दोनों में कॉमन आ जाएगा, टू इसके भी इसमें भी कॉमन ले लिया, कॉस के ए प्लस वन। ठीक है, इसमें हाफ एंगल फार्मूला हम यूज़ करते हैं, हाफ एंगल फार्मूला के अकॉर्डिंग, अच्छा कि मिस्टेक कर दी, ये इसके साथ माइनस है ना, ये माइनस था ना इसके साथ, तो मिस्टेक इज़ समथिंग कंपलसरी जो कि मैंने करना ही होता है। तो ये कॉस के हमारे पास होता है फार्मूला वन माइनस कॉस टू थीटा इक्वल्स वन माइनस कॉस टू थीटा जो होता है वो इक्वल होता है टू साइन स्क्वेयर थीटा के, टू साइन स्क्वेयर थीटा के, तो यहाँ पे ये कॉस के ए माइनस वन है ना, तो ये लेट से मैं माइनस अगर कॉमन ले लूँ यहाँ पे बाहर, तो ये वन माइनस, तो ये वन माइनस कॉस के ए वन माइनस कॉस टू थीटा की फॉर्म में हम अगर इसे लाना चाहें तो ये हो सकता है, ये माइनस माइनस इधर से कैंसिल हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर ओवर एम में इधर एफ इधर कर देती हूँ, तो ये वन माइनस कॉस के ए है ना, तो इससे मैं अगर टू थीटा की फॉर्म में लाना चाहती हूँ तो टू को मल्टीप्लाई कर देती हूँ एंगल से और यहाँ पर डिवाइड कर देती हूँ के ए बाई टू। ठीक है, तो ये थीटा यहाँ पे के ए बाई टू हो गया, तो दैट इज़ इक्वल्स टू टू साइन स्क्वेयर थीटा, तो इट इज़ इक्वल्स टू टू साइन स्क्वेयर थीटा क्या है के ए बाई टू। ओके, तो ये टू इधर था, अच्छा टू भी था यहाँ पे, तो ये टू मल्टीप्लाई टू, तो ये फोर साइन स्क्वेयर के ए बाई टू हो चुका है, तो यहाँ पे ये जो फॉर्म बन चुकी है दैट इज़ एम ओमेगा स्क्वेयर बाई एफ इक्वल्स फोर साइन स्क्वेयर के ए बाई टू, ओमेगा की वैल्यू मुझे चाहिए तो ये मैं उधर ले जाती हूँ सारी की सारी चीज़ें, और साइन स्क्वेयर के ए बाई टू और ओमेगा की वैल्यू जो आ जाएगी दैट विल बी इक्वल्स टू फोर एफ बाई एम का अंडर रूट, और यहाँ पे साइन के ए बाई टू, अब के जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, के वेक्टर जो है क्योंकि वेव जो है लेट्स से इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो पॉजिटिव के, नेगेटिव डायरेक्शन में कर रही है तो नेगेटिव के, लेकिन ओमेगा इज़ फ्रिक्वेंसी और फ्रिक्वेंसी इज़ रिलेटेड टू इस टाइम पीरियड और टाइम इज़ लाइक के नेवर भी नेगेटिव, और इसी तरह ओमेगा भी जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती कभी, इसलिए हम ये जो एक्सप्रेशन है क्योंकि एफ जो है वो हमेशा पॉजिटिव है, एम भी हमेशा पॉजिटिव है, उसका अंडर रूट है ऑब्वियसली, सो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ये इसको नेगेटिव बना सकता है जब, क्योंकि के की वैल्यू हम यहाँ पे नेगेटिव पुट करेंगे तो ये साइन जो है नेगेटिव रिजल्ट देगा जो इसको नेगेटिव कर सकता है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसमें मॉड क्रिएट कर देते हैं सो दैट ओमेगा इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये हमारे पास डिस्पर्जन रिलेशन आ चुका है, रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड के इज़ कॉल्ड डिस्पर्जन रिलेशन, और ये हमारे पास यहाँ पे आ चुका है और यही फाइनल रिलेशन है, इसके बारे में अब आगे डिस्कशन होगी जो भी सारी होगी, एंड दैट इज़ इक्वल्स टू फोर एफ ओवर एम साइन के ए बाई टू एंड देर इज़ मोर राइट हीयर, और इसमें जो अब अगर यहाँ पे हम देखें तो ये ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ के हमने फाइंड आउट किया है, इसमें पॉजिटिव ओमेगा पुट करें या नेगेटिव ओमेगा पुट करें, पॉजिटिव के पुट करें या नेगेटिव के पुट करें दोनों रिजल्ट सेम होंगे, और इसे मिरर सिमेट्री कहते हैं हम, कि जैसा ही पॉजिटिव में पॉजिटिव एक्सिस में वैसे ही नेगेटिव एक्सिस में है, इस तरह की सिमेट्री को मिरर सिमेट्री कहते हैं, और अगर हम इसे देखें कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी कि व्हेन साइन के ए बाई टू इज़ इक्वल टू वन, एंड के ए बाई टू अगर हम देखना चाहें कि क्या कंडीशन बनती है के की, तो के ए बाई टू एंड दैट इज़ इक्वल टू टू एन पाई एन पाई इन जनरल, ज़रूरी नहीं है कि वो इवन हो क्योंकि पाई पे भी थ्री पाई पे भी टू पाई पे भी हर वैल्यू पे ही हो गया, अगर मैंने टू एन पाई कर दिया तो वो सिर्फ इवन वैल्यूज़ को कंसीडर करेगा, लेट्स से एन इज इक्वल टू वन है तो मल्टीप्लाई टू पाई करूँ टू मल्टीप्लाई टू पाई तो ये सारे इवन मल्टीपल्स आते हैं, तो मोर जनरल इज टू कंसीडर एन पाई हियर, तो के की वैल्यू जो आती है एन पाई टू उधर मल्टीप्लाई हो गया डिवाइड बाई ए, तो दिस इज के इज इक्वल टू टू पाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई एन, ये हमारे पास रिलेशन बन चुका है फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा, और उस केस में क्या होगा जब हम अगर इसमें ये पुट कर दें तो ओमेगा मैक्सिमम आता है इक्वल टू अंडर रूट फोर एम फोर एफ बाय एम, जिसको हम ओमेगा मैक्सिमम का नाम दे सकते हैं या ओमेगा नॉट कह सकते हैं, तो हम अपना डिस्पर्जन रिलेशन इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं लाइक दैट,
ऐसे और अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूँ तो एट के ए बाई टू इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, ये साइन ज़ीरो ज़ीरो हो जाता है ना, तो के इज़ इक्वल टू ज़ीरो पे ओमेगा ज़ीरो होगा और के इज़ इक्वल टू लेस से अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे ये पाई बाय टू पे होता है ना, साइन पाई पे ज़ीरो होता है ना, यहाँ पाई बाय टू लेना है, तो यहाँ पे जब हम पाई बाय टू लेंगे टू टू कैंसिल हो जाएगा, ये भी टू यहाँ पे नहीं आएगा, तो ये हमारे पास रिलेशन बनता है के की मैक्सिमम वैल्यू के लिए। तो अगर के की वैल्यू अगर मैं पाई बाय ए, इसमें हम प्लस माइनस यूज़ करते होते हैं क्योंकि बोथ ऑफ देम आर अलाउड, ठीक है, दोनों इसमें अलाउड होती हैं और दोनों के केसेस में ये रिलेशन वन के ही इक्वल आता है, तो क्योंकि मॉड की अगर हम बात करें, मॉड की बात कर रहे हैं ना हम, तो ये मॉड जो है दोनों केसेस में अलाउड होगा और ये प्लस माइनस पाई बाय ए पे जो है ओमेगा अंडर रूट फोर एफ बाय एम पॉजिटिव के ही इक्वल आएगा। तो अगर हम इसका डिस्पर्जन कर्व ड्रॉ करना चाहते हैं, कर्व डिस्पर्जन कर्व में एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम के वैल्यूज़ लेते हैं, यहाँ पे माइनस पाई बाय ए ले लेते हैं, यहाँ पे प्लस पाई बाय ए, और भी इसकी परमिसिबल वैल्यू है, एन इज इक्वल टू वन के लिए प्लस माइनस पाई बाय ए होगा, एन इज इक्वल टू के लिए प्लस माइनस टू पाई बाय ए होगा, माइनस टू पाई बाय ए टू प्लस टू पाई बाय एन सो ऑन, यहाँ पे ये ज़ीरो है, ज़ीरो पे ओमेगा भी ज़ीरो है, ठीक है, और माइनस पाई बाय ए और प्लस पाई बाय ए पे जो वैल्यू है ओमेगा की वो मैक्सिमम है, दैट इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट फोर एफ बाय एम ओमेगा मैक्सिमम, यहाँ पे ओमेगा मैक्सिमम का पॉइंट बनता है, और क्योंकि ये साइनोसाइडल है तो साइनोसाइडल हम ये ऐसे यहाँ तक लेके जाते हैं। तो अब इस ये जो ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो आगे रिपीट होता रहेगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो ये जो रीजन बनता है हमारे पास, ये रीजन जिसमें ओमेगा की तमाम पॉसिबल वैल्यूज़ आ चुकी हैं, ठीक है, इससे बाद वही ओमेगा की वैल्यूज़ पॉसि जो है रिपीट होती रहती है, तो इनमें जो है तमाम पॉसिबल वैल्यूज़ और तमाम पॉसिबल नेचर ऑफ के नेगेटिव डायरेक्शन और पॉजिटिव डायरेक्शन दोनों इंक्लूड हो चुकी हैं, और इसी रीजन को हम फर्स्ट ब्रिलियन जोन कहते हैं। ऑलराइट, और आगे हम इसकी जो है फेज स्पीड्स और फेज स्पीड को फाइंड आउट कर सकते हैं। फेज स्पीड का फॉर्मूला होता है ओमेगा बाय के, ओमेगा हमने यहाँ से अभी अभी फाइंड आउट कर लिया है कि दैट इज़ इक्वल्स टू ओमेगा नॉट साइन के ए बाय टू बाय के, ठीक है। तो ये इस तरह से ये फेज वेलोसिटी अब इसे रिड्यूस किया जा सकता है एक और फॉर्म में, ये जो फॉर्म होती है ये वी एस साइन के ए बाय टू बाय के ए बाय टू, ये इस तरह की फॉर्म में रिड्यूस किया जा सकता है, ये वैसे अननेसेसरी है। वी ग्रुप जो है ग्रुप वेलोसिटी होती है डी ओमेगा बाय डी के, तो इसका अगर हम डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू के तो ग्रुप वेलोसिटीज की हमें मिल जाएगी। और इसके अलावा लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट होती है, लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट के इज इक्वल टू टू पाई बाई लेमडा होता है ना, अगर लेमडा इज़ लॉन्ग मतलब लार्ज है तो के स्मॉल हो जाएगा, तो के इज़ वेरी स्मॉल, तो ये जो हमारा डिस्पर्जन रिलेशन है इसमें हम अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, व्हेन थीटा इज़ वेरी स्मॉल साइन थीटा इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा, लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट में हम देखना चाहते हैं कि क्या होता है, तो ये फिर हमारे पास फॉर्म बन जाएगी अंडर रूट फोर एफ बाय एम, तो ये के ए बाय टू सिंपली इसमें आ जाएगा, साइन ख़त्म हो जाएगा, इसका ये फोर में बाय ले आती हूँ तो ये बन जाएगा ऐसे के ए बाय टू ओमेगा, टू टू भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास अब अगर मैं स्पीड का रिलेशन अब निकालना चाहूँ क्योंकि क्लासिकल में स्पीड का ही रिलेशन तो निकाला था, तो ओमेगा यहाँ पे है अंडर रूट एफ बाय एम के ए, और इसे डिवाइड हम कर रहे हैं वन मतलब ये डिवाइडेड बाय के कैंसिल, तो ये आ चुकी है वैल्यू ये, और यही तो हमारी वैल्यू आई थी क्लासिकली जब हमने फाइंड आउट किया था मैकेनिकल प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए ये निकाला था, तो ये हमने देखा कि लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट में जो क्लासिकल रिलेशन है वो इसके इसके रिलेशन के इक्वल ही आया। और यहाँ पे अगर हम एक और चीज़ देखना चाहें, ओमेगा इक्वल्स जो आया है ए को और अंडर रूट एफ बाई एम को मैं सेपरेट करूँ तो यहाँ पे आ चुका है के, तो ये सारी कांस्टेंट है क्वांटिटी, तो ओमेगा इक्वल्स टू सम कांस्टेंट क्वांटिटी कांस्टेंट लेट्स सी क्वांटिटी टाइम्स के आया, ये एक लीनियर रिलेशन है, स्ट्रेट लाइन रिलेशन है, तो इट मीन्स फॉर स्मॉलर एंगल्स जो रिलेशंस बनता है और जो क्लासिकल रिलेशन भी बनता है वो इस तरह का लीनियर रिलेशन बनता है, ठीक है। दिस इज क्लासिकल एंड दिस इज द बेटर वन।